विजय हैं। आज मैं आपके समक्ष पाठ्यचर्या विषय को लेकर के आया हूँ। प्रायः बहुत सारे हमारे शिक्षकों को पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम आदि के बारे में बहुत विस्तार से जानकारियाँ नहीं होती हैं। इसका प्रभाव उनकी शिक्षण विधियों पर पड़ता है। तो सबसे पहले हमें यह जानने की जरूरत है कि वास्तव में पाठ्यचर्या क्या होता है। शिक्षा के द्वारा ऐसे सामाजिक मूल्यों के संवर्धन की जरूरत है जिन्हें संविधान में प्रमुखता दी गई है, जैसे समानता, न्याय, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, मानवाधिकार। पाठ्यचर्या के ऐसे मूल्यों को हमें बच्चों में उनके प्रति आस्था विकसित किया जाना है। तो पाठ्यचर्या बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है शिक्षा के क्षेत्र में। पाठ्यचर्या ये पहली बार बनी, इससे पूर्व सन 1964 में कोठारी आयोग का गठन हुआ था। तो कोठारी आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में अनेक सुधारों के लिए उन्होंने अपनी संस्तुतियां दी और इसी के आधार पर फिर पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी सन 1968 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब बनी तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पूरे देश में शिक्षाविदों से, आम नागरिकों से ये आमंत्रित किया जाता है कि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किन किन मुद्दों को स्थान दें जिसके द्वारा हम हमारे देश की सारी आवश्यकताएं हैं, जिसको हम बच्चों में स्थापित करना चाहते हैं, वो सब शामिल हो जाए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जब गठन होता है तो उसमें सबके अनुभवों को, उनके सुझावों को शामिल किया जाता है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद फिर आता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या। जब नीति बन जाती है शिक्षा की नीति, तब फिर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार होती है। इसके पश्चात जब राष्ट्र की पाठ्यचर्या तैयार हो जाती है, उसके बाद उसको आधार बना करके राज्य की पाठ्यचर्या और फिर उसके बाद फिर जिले की पाठ्यचर्या, इन सब का निर्माण किया जाता है। जब पाठ्यचर्या तैयार हो जाती है तो उसके आधार पर जो भी उसमें दिशा निर्देश दिए गए होते हैं उसके आधार पर पाठ्यक्रम का निर्धारण होता है। और पाठ्यक्रम के पश्चात पाठ्य पुस्तकें बनती हैं। पाठ्य पुस्तकों में हमें किन किन विद्याओं को किन किन विषयों में शामिल करना है, ये सब बातें पाठ्य पुस्तक में शामिल होने के पूर्व पाठ्यक्रम के द्वारा उसको निर्धारित कर दी जाती है। और पाठ्य पुस्तकें के बाद शिक्षक सहायक सामग्री जो कि हमको पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया में बहुत सहयोगी और उपयोगी होता है, इसका भी दिशा निर्देश हमको मिलता है और इसके बारे में कार्य किया जाता है। फिर अंत में आता है इन सब प्रक्रियाओं का मूल्यांकन, जिसको हम करते हैं सीखने के प्रतिफल, जिसको हम वर्तमान में लर्निंग आउटकम भी कहते हैं। ये जो सारी प्रक्रियाएं स्टेप बाय स्टेप लगातार चलती रहती हैं, तो पहली बार जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी वो 1968 में बनी। इसके बाद अगली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनी और इसके पश्चात अभी तीसरी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है जो कि सन 2020 में हमारे समक्ष आ चुकी है। और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जहां तक बात है, तो जैसा मैंने पहले बताया कि 1975 में पहली बार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या बनाया गया, उसके बाद 1988 में बना दूसरी पाठ्यचर्या, तीसरी पाठ्यचर्या सन 2000 में बना और चौथी पाठ्यचर्या 2005 में बनी। इस तरीके से अभी हमारे पास चार राष्ट्रीय पाठ्यचर्याएं बन चुकी हैं और अगली राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फिर से नई प्रस्तावित की गई है जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उपरांत आ सकता है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो है पूरे राष्ट्र स्तर की बातों को, उनकी आवश्यकताओं को, उन मुद्दों को शामिल करके जिससे एक राष्ट्र की जरूरतें पूरी होती हैं। लेकिन जो राष्ट्र की राज्य की पाठ्यचर्या है, इसको हम राज्य स्तर
की जरूरतों को देखते हुए इसको निर्धारित करते हैं। तो ये एक प्रकार का पाठ्यचर्या जो होता है वो गाइडलाइन होता है, उसके अनुसार से हमको पूरी शिक्षा प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। तो जब पाठ्यचर्या के अनुसार से जो निर्धारण होता है उसके अनुसार से हम स्कूल में प्रार्थना से लेकर के स्कूल की समाप्ति तक जो भी हम क्रियाएं बीच में करते हैं वो सारी चीजें उसके अंतर्गत आ जाती हैं। ये इन सब के बारे में दिशा निर्देश पाठ्यचर्या में दिया गया होता है। तो सामान्य अर्थों में जो हम लेते हैं पाठ्यचर्या के बारे में, तो वो है शिक्षा के निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जिन विषयों एवं क्रियाओं का नियोजन किया जाता है उन्हें हम पाठ्यचर्या कहते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से दो बिंदुओं को फोकस किया गया, शिक्षा के जो उद्देश्य हैं और उनके उनको विषयों और क्रियाओं के नियोजन के द्वारा उसको हम पाठ्यचर्या कहते हैं। तो पाठ्यचर्या यदि हम दूसरे संदर्भों में इसको कहना चाहें तो वो है पाठ्यचर्या नियोजित गतिविधियों का एक समुच्चय है जिससे स्कूल की शिक्षा व दिनचर्या को मार्गदर्शन मिलता है। इसे स्कूल के शैक्षिक उद्देश्य या लक्ष्य के कार्यान्वयन के लिए ही बनाया जाता है। तो इससे हम ये समझ पा रहे होंगे कि पाठ्यचर्या के द्वारा हमको जो जो दिशा निर्देश या गाइडलाइन दिए गए होते हैं उसके अनुसार से हमारे स्कूल की पूरी प्रक्रिया, एक शिक्षक की पूरी कार्यविधि, बच्चों को क्या करना है उन सब के बारे में दिशा निर्देश, ये हमें सब जानकारियाँ पाठ्यचर्या के द्वारा ही मिलती हैं। अब हम देखें कि पाठ्यचर्या में वास्तव में क्या क्या शामिल होते हैं। तो पाठ्यचर्या के अंतर्गत, जैसे यहाँ पर पाठ्यचर्या लिखा है, तो पाठ्यचर्या के अंतर्गत पाठ्यक्रम भी आता है, फिर पाठ्य पुस्तकें भी आती हैं। पाठ्य पुस्तकें जब आ गई तो उसमें बहुत सारी शिक्षण प्रक्रिया होंगी, वो सब आएंगे। शिक्षण प्रक्रिया के अलावा अंत में जैसा हमने इसमें देखा आकलन की विधियां, ये सारे पाठ्यचर्या के अंतर्गत शामिल हैं जो हमारे शिक्षा के उद्देश्यों को लागू करने में मदद करती है और बच्चों में ज्ञान कौशल अभिवृत्ति का विकास करने में भी सहायक होती है। तो इस तरीके से हम देखें तो पाठ्यचर्या जो है एक व्यापक अवधारणा है और इसके अंतर्गत बहुत सारे और बिंदु हैं उसके जिसके द्वारा हम पाठ्यचर्या में दिए गए निर्देशों के अनुरूप शिक्षा के उद्देश्यों को पूर्ण करते हैं। तो देश के लोगों की जो आवश्यकताएं हैं आकांक्षाएं हैं उसके अनुरूप ही राष्ट्र के समक्ष मौजूद मुद्दों को संदर्भ में स्कूल शिक्षा के लिए जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या बनती है उसको हमारे देश के शीर्ष संस्थान NCERT के द्वारा किया जाता है। और उसके बाद जब राज्य की पाठ्यचर्या बनती है तो उसको हमारे राज्य स्तर की जो परिषद है जिसे हम SCERT कहते हैं, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उसके द्वारा राज्य की पाठ्यचर्या का निर्धारण किया जाता है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा में ये कहा गया है कि पाठ्यचर्या प्रासंगिकता समता उत्कृष्टता पर आधारित होनी चाहिए। अभी वर्तमान में जैसा हम देखते हैं सूचना और संचार की तकनीकी की चुनौतियां हैं, शिक्षा को हम जीवन कौशल से कैसे जोड़ सकते हैं, मूल्यों का विकास पाठ्यचर्या में के जो सरोकार है जिस पर हमें हम गंभीरता से इस दिशा में कार्य कर रहे हैं कि हम कैसे बच्चों में मूल्यों की स्थापना कर पाए। तो बच्चों का जो सर्वांगीण विकास है, सांस्कृतिक तथा परिवेश के अनुकूल शिक्षण प्रविधियां हैं, अलग अलग स्कूलों में अलग अलग तरह के शिक्षण प्रविधियां लागू होती हैं, सभी जगह एक ही प्रविधि से हम उपयोग नहीं कर सकते। फिर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात है, शिक्षकों का उन्मुखीकरण आदि, ये सारे के सारे पाठ्यचर्या के ही सरोकार हैं और इस पर निरंतर कार्य हमारे चलते ही रहते हैं और इसके आधार पर हम अपनी शिक्षा प्रक्रिया में सुधार भी लाते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में यदि हम बात करते हैं पाठ्यचर्या के संदर्भ में, तो हमारे पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में 146 विकास खंड हैं और इसमें से 85 विकास खंड आदिवासी क्षेत्र बहुल के हैं। तो यहाँ की जो पाठ्यचर्या जब बनती है
तो उन क्षेत्र विशेष के लिए हमें उनकी विशिष्ट भाषा, बोलियां, संस्कृति को पाठ्यचर्या में शामिल करने की चुनौतियां होती हैं, क्योंकि एक विकासखंड से हम दूसरे विकासखंड में जाते हैं तो वहां पर अलग तरह की बोलियां हैं, उनकी संस्कृतियां अलग हैं। तो इस तरीके से वहां पर, जैसे हमने यहाँ पर बात किया था कि राज्य की पाठ्यचर्या के पश्चात जिले की भी पाठ्यचर्या होनी चाहिए, तो वहां पर हम उन सब मुद्दों को स्थान दे सकते हैं। तो बच्चों को हम पाठ्यचर्या के माध्यम से ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाते हैं और विविधताओं के बीच उनको लागू करने की चुनौतियां हमारे समक्ष होती हैं। तो ये जो पाठ्यचर्या की जो बातें हैं ये बहुत विस्तृत है। मैं आपको अभी इस संबंध में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में किन किन बिंदुओं को शामिल किया गया है या उनको फोकस किया गया है, उस तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि जो स्कूल स्तर पर सिखाए जाने वाले ज्ञान है उसको बाहरी जीवन से जोड़ने की जरूरत है। हम प्रायः पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में नहीं कर पाते, तो वो कौन सी प्रक्रिया होगी जिसके द्वारा हम स्कूल में पढ़ाए जाने वाले ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ पाते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि पढ़ाई जो है वो रटन प्रणाली से मुक्त होनी चाहिए। अभी हम वर्तमान स्थिति में जब देखते हैं स्कूलों में, तो वहां पर हम बच्चों को रटने पे जोर देते हैं, इसी चीज को याद करने के लिए कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ाते समय बच्चे निश्चित रूप से ऐसे को रट करके ही लिख रहे हैं। कोई भी बच्चे अपने तरीके से नए प्रकार का ऐसे नहीं लिख रहा है। गणित हम पढ़ा रहे हैं तो गणित में वहां पर बच्चों को सूत्रों को याद करने के लिए कह रहे हैं, पहाड़े याद करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन उनकी समझ उनकी नहीं बन पाती। इसीलिए हम बड़े होकर के जब पहाड़े का उपयोग करते हैं तो पहाड़ा हम प्राय भूल जाते हैं। फिर अगला आता है परीक्षा को लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। जो भी वर्तमान परीक्षा प्रणाली है उसमें आप सब देखते हैं कि जो दूसरा बिंदु हमारे पास आया रटने पर हमने जोर दिया है, और बच्चा क्या करता है रट करके उसको परीक्षा में वापस लिख करके आ जाता है और उसके बाद उसकी याददाश्त में वो बातें नहीं रह जाती हैं। तो परीक्षा को लचीला बनाना और कक्षा में जो भी गतिविधियां हो रही हैं उसके माध्यम से भी हम बच्चों का आकलन कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। एक प्रकार से निरंतर मूल्यांकन करने की जरूरत, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात अभी आगे चल करके आएगी, उसमें इस तरीके से उसको जोड़ने की बात कही गई है कि परीक्षा जो है हमारे मूल्यांकन प्रक्रिया निरंतर चलते रहना चाहिए। बच्चा गतिविधि कर रहा है तो इस समय उसका मूल्यांकन हो जाए, बच्चा कुछ लिख रहा है तो उसका मूल्यांकन हो जाए, कक्षा के बाहर बच्चा है तो इस समय उसका मूल्यांकन हो जाए। तो इस तरीके से व्यापक रूप से हम परीक्षा को लचीला बनाएं, परीक्षा ऐसा हो कि बच्चे को पता भी नहीं चले कि इसकी परीक्षा हो गई है। नहीं तो वर्तमान समय में आप देखते हैं परीक्षा के नाम पर एक दबाव रहता है बच्चे के ऊपर। फिर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में अगली बात यह कहेगी कि राष्ट्रीय चिंताओं के प्रति बच्चों को सजग बनाना। हमारे देश में जो बड़ी बड़ी घटनाएं घटती हैं जिसका दूर दूर से संबंध हम सबके दैनिक जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है, तो उन चिंताओं के प्रति बच्चों को सजग बनाना। जैसे कि चीन जो है भारत पर हमला करने के तैयार है, तो इसके लिए क्या हमारे देश के सारे नागरिक सतर्क हैं, सजग हैं? अचानक हमला हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? तो ऐसे बिंदुओं को फोकस करना। अभी वर्तमान में किसान आंदोलन चल रहा है, तो किसान आंदोलन क्यों हो रहा है इसकी समझ बच्चों को होनी चाहिए। उसके कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिसके कारण किसानों को आंदोलन करना पड़ रहा है, तो बच्चे भी उस दिशा में जागरूक बने। फिर आता है सभी बच्चों को स्कूलों से जोड़ना। हमारे अभी सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बच्चों को स्कूल लाने के लिए बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर अभियान चलाए गए और एक एक बच्चे को स्कूल से जोड़ने के लिए प्रत्येक एक एक किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक स्कूल खोले गए ताकि हर बच्चे को स्कूल पहुंचने में सुविधा हो। तो बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास किए गए, बहुत सारी योजनाएं चलाई गई और कुछ
कुछ पालक ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को लेकर के दूसरे राज्य चले जाते हैं, तो उनको उस राज्य में भी शिक्षा की सुविधा मिल जाए, उसके लिए भी शासन ने विशेष प्रकार के प्रयास किए और उनको वहाँ भी शिक्षा दिलाने के लिए योजनाएं बनाई गई। बच्चों की रचनात्मकता का पोषण करने की बात कही गई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में। बच्चे जो है बहुत ज्यादा क्रिएटिव माइंड के होते हैं और लगातार कुछ ना कुछ करने के लिए सोचते रहते हैं, तो बच्चों को ये अवसर मिलना चाहिए कि वो जो जानते हैं वो हमारी शिक्षण प्रक्रिया में कैसे शामिल हो जाए और उसको हम उसके द्वारा कैसे उसको आगे बढ़ने में उसकी रचनात्मकता प्रक्रिया को या चिंतन प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकें। फिर एक और भी बहुत महत्वपूर्ण बात राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में आई कि पर्यावरण को शिक्षा के सभी स्तर में शामिल करके उन सबके बीच जागरूकता उत्पन्न करने की बात की गई। तो पर्यावरण एक बहुत ही बृहद क्षेत्र है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है और इसलिए इसको राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में स्थान दिया गया और कहा गया कि प्राथमिक से लेकर के महाविद्यालय शिक्षा तक सभी कक्षाओं में पर्यावरण को उनके आयु स्तर के अनुरूप शिक्षा दे करके उनके बीच जागरूकता उत्पन्न की जाए और इस दिशा में बहुत ज्यादा कार्य करने की भी जरूरत है। हम देखते हैं पर्यावरण के क्षेत्र में लोग बाग बहुत ज्यादा जागरूक नहीं होते, चाहे कहीं भी पॉलीथीन फेंक देते हैं, पॉलीथीन जला देते हैं, कचरे कहीं भी फेंक देते हैं। अभी दिल्ली में आप देखिए लगातार वहां पर प्रदूषण, जैसे ही ठंड का मौसम आता है वहां का प्रदूषण शुरू हो जाता है। क्यों होता है? शीत ऋतु के कारण से आसपास के लोग किसान जो है गाँव में जो पराली होता है, जो धान काटने के बाद बचा हुआ हिस्सा होता है उसको पराली कहते हैं, तो उसको जला करके वो अपने खेत में खाद के रूप में उसको नाइट्रोजन मिल जाए, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए, इस दिशा में वो लोग प्रयास करते हैं कि पराली जला करके हम अपने खेत की सफाई भी कर लें। उसके कारण से लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर धुआं उठता है और आसपास धुएं धुएं जो है हवा में मिल करके लोगों को सांस लेने में दिक्कतें पैदा करती हैं। तो इन सब चीजों के बारे में हमें जागरूकता उत्पन्न करना कि कहीं पर पानी बह रहा है तो उसको बच्चे क्या बिना किसी के कहे रोक दे रहे हैं, या कहीं पर लाइट जल रहा है अनावश्यक तो उसको बिना कहे वो लाइट को बंद कर रहे हैं। ये सब जागरूकता उत्पन्न करने की बातें हैं। फिर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में यह भी कहा गया कि बच्चे को संघर्ष को सुलझा पाने में सक्षमता होनी चाहिए। इसी प्रकार की संघर्ष की स्थिति आती है या छोटे मोटे वाद विवाद हो जाते हैं तो उसमें इतनी समझ होनी चाहिए कि वो उस समस्या को स्वयं ही सुलझा दे, बनिस्पत इसके इसको आगे बढ़ जाए, और आगे बढ़ने पर वो बड़ा बड़ा रूप ले लेती है। कभी कभी कोर्ट में चला जाता है मामला और वो लगातार बढ़ते चला जाता है। तो बच्चे को संघर्ष को सुलझा पाने में सक्षम बनाना। फिर आता है सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय अस्मिता को सुदृढ़ करने के लिए भी सक्षम बनाना। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे स्मारक हैं जिनको संरक्षण की जरूरत है, हमारे संस्कृतियां हैं जिसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो इन सब को सुदृढ़ मजबूत करने के लिए हम शिक्षा के माध्यम से ही बच्चों को सक्षम बना सकते हैं। फिर शिक्षा जो है वो शरीर मन मस्तिष्क और जीवन के विकास पर जोर देने वाला होना चाहिए। शरीर मतलब बच्चा व्यायाम करे, योग करे, खेल कूद करे और अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने मन को सकारात्मक विचारों में लगा करके रखें, कभी भी विध्वंसक कार्यों की तरफ न सोचे, उसका मस्तिष्क बिल्कुल शांत हो और अपने जीवन को कैसे एक सही दिशा में ले जाना है इस दिशा में उसे कार्य करने पर हमारी शिक्षा कार्य करे। फिर एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में कही गई कि समाज के विभिन्न वर्गों के सभी बच्चों को विभिन्न क्षेत्रों में सीखने के अवसर की समानता होनी चाहिए।
कि हमारे देश में बहुत सारी विविधताएं हैं, चाहे वो जातिगत हो, भाषाई हो या राज्य के अनुसार से हो। तो वहां पर आप देखेंगे कि सभी बच्चों को एक समान अवसर नहीं मिल पा रहा है। ये महसूस किया गया या ये सुझाव प्राप्त हुए लोगों के द्वारा कि एक निम्न वर्ग का जो बच्चा है या कमजोर बच्चा है, गरीब घराने का बच्चा है, उसको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है, वो वंचित हो जा रहा है। तो उसके लिए सभी बच्चों को सीखने के लिए अवसर प्रदान हो, इसके लिए हम शिक्षा प्रणाली में क्या कर सकते हैं ताकि वो भी बच्चा आगे बढ़ सके। इसके लिए अभी शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया, इसमें इसके माध्यम से इन कमजोर वर्ग के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में, अच्छे प्राइवेट स्कूलों में शासन ने पढ़ाने की योजना बनाई और उसको उनका फीस भी शासन अपनी तरफ से भरती। तो इस तरीके से समान अवसर सीखने का अवसर केवल पढ़ाई के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में यदि हम उद्योग लगाना चाहते हैं तो वहां पर भी उनको अवसर मिले, शासन का सहयोग मिले। खेती बाड़ी के क्षेत्र में आगे करना चाहते हैं तो वहां पर भी उसको अवसर मिले। तो हर क्षेत्र में उसको सीखने समझने का अवसर मिले। और एक और बहुत महत्वपूर्ण आता है, चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना बच्चे को, इसका हम सर्वांगीण विकास भी कहते हैं। तो सर्वांगीण विकास बहुत व्यापक शब्द होता है। तो बच्चों को हर क्षेत्र में विकास के अवसर उपलब्ध कराना, केवल हम पुस्तकीय ज्ञान न दें, पुस्तक केंद्रित यदि हमारी शिक्षा हो जाएगी तो बच्चा वहीं तक सीमित हो जाता है और आगे का कुछ सोच नहीं पाता। तो उसको कक्षा के बाहर भी हम कौन कौन सी चीजों में उसको आगे बढ़ा सकते हैं, उन सब के बारे में अवसर उपलब्ध कराना, साहित्यिक, सांस्कृतिक, खेलकूद, बोलने के लिए बोलने की शैली सीखना, संगीत सीखना, नृत्य सीखना आदि आदि। तो जितने भी अवसर हैं ये सब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के मार्गदर्शक सिद्धांत 2005 में हमको दिए गए हैं और इसकी इन्हीं पाठ्यचर्या के माध्यम से ही हमारा पाठ्यक्रम तैयार होता है। पाठ्यक्रम के आधार पर भी पाठ्य पुस्तकें बनती है और उसके पश्चात इन पाठ्य पुस्तकों को लेकर हम कक्षाओं में जाते हैं और बच्चों को अध्यापन करते हैं। इसमें बहुत सारी शिक्षण प्रक्रिया दी गई होती है, उसका भी उपयोग करते हैं, गतिविधियों का उपयोग करते हैं और बच्चों को राष्ट्रीय उद्देश्य के अनुरूप हम शिक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। आप सभी को धन्यवाद।